नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। समस्तीपुर में इन दिनों बदमाश बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कि कुछ बदमाश घर में घुसकर पिता पुत्र पर गोली चला दी, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, समस्तीपुर में इन दिनों अपराध की घटना इतनी बढ़ गई है कि अपराधी सरेआम घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं, वही प्रशासन मुख बने देखते रह जाते हैं। सरकार के बड़े बड़े दावे विफल साबित हो रहे हैं, वही प्रशासन अपराध पर काबू पाने में असफल साबित हो रहे हैं। ताजा घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी पंचायत की वार्ड नंबर 3 का है, जहाँ अपराधियों ने रात्रि के समय सरेआम घर में घुसकर अंधाधुंध गोली चलाई। इस घटना में गृह स्वामी वीरेंद्र पासवान की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनके पुत्र रुपेश पासवान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। आनन-फानन में ग्रामीणों ने दोनों पिता पुत्र को उठाकर समस्तीपुर सदर अस्पताल ले गए। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया और वहीं पुत्र का इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना उजियारपुर थाने को दे दिया गया है। थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। वही घायल रुपेश के द्वारा बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले अपराधी की पहचान कर लिया गया है। छोटू यादव नाम के अपराधी है। 6 से 7 की संख्या में अपराधी रात्रि के करीब 1:30 बजे घटना को अंजाम दिया है। घटना का अंजाम किस कारण हुआ, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। उजियारपुर थाना अंतर्गत दिनांक 20-21 की रात्रि में महिसारी गांव के वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और एक व्यक्ति घायल है, जो कि हॉस्पिटल में इलाजरत है। उसमें से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया है उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए। शेष बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। सर, कुल कितने अभियुक्त हैं? अभी नियमित 5 लोग किए हैं, कुछ अज्ञात भी हैं। अभी अनुसंधान जारी है, उसमें घटना में जितने भी सम्मिलित लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। सर, सड़क जाम के दौरान पुलिस गाड़ियों पर भी हमला किया गया? ये आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है, उसको हम लोग देख रहे हैं, CCTV फुटेज निकाल देते हैं। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।